प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों को 6000 रुपए की मदद देती है। साल 2018 में इस योजना की शुरुआत किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से की गई थी। यह पैसा सीधे उनके अकाउंट में पहुंचता है। अब इस योजना की राशि को बढ़ाने की मांग भी उठने लगी है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन की एक रिपोर्ट में किसानों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए आर्थिक सहायता बढ़ाने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने की मांग की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए की मदद ही दी जा रही है। इसमें अभी तक किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, जबकि महंगाई और बाकी चीजों की कीमतें कई बार बढ़ चुकी हैं। ऐसे में इसे ध्यान में रखते हुए किसानों की आर्थिक सहायता राशि कम से कम 10000 रुपए होनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में ज्यादातर किसान काफी छोटे हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, जबकि बड़े किसानों की संख्या भी काफी कम है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि व्यापार नीतियों के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में पीएम किसान योजना की राशि सरकार को बढ़ानी चाहिए।